गरीब की जादुई मशीन। रविपुर नाम के गांव में हरि अपनी पत्नी और मां के साथ रहता था। हरि अपने परिवार को चलाने के लिए सब्जियों को बेचने का काम करता था। एक दिन हरि सब्जियां बेचकर घर की ओर आ रहा था कि तभी एक बड़ी सी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने की वजह से हरि को खूब सारी चोटें आ जाती है। एक्सीडेंट के समय मौजूद लोग हरि को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं और उसी में से एक व्यक्ति हरि के घर पहुंचकर उसकी खबर सुना देता है। बहू राधा, हरि की माँ, जल्दी से बाहर आओ, तुम्हें कुछ बताना है। काका की आवाज़ सुनते ही हरि की पत्नी राधा और उसकी माँ भागे भागे बाहर आते हैं। अरे क्या बात है काका, आप इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे बहू, रास्ते में मैंने अभी अभी देखा कि हरि का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट की वजह से उसको बहुत चोट आई है, हमने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। काका के मुंह से ये बात सुनकर माँ और राधा दोनों ही अस्पताल पहुँचते हैं। वो दोनों वहाँ जाकर देखते हैं कि हरि को बहुत सारी चोटें लगी होती है और हरि का बहुत सारा खून भी बह गया था। ये सब देखकर राधा रोने लगती है। तभी डॉक्टर राधा को समझाते हुए बताते हैं, देखिए इसकी तबीयत सही होते होते काफी समय लग जाएगा, क्योंकि इसकी एक टांग में बहुत ज्यादा गहरी चोट आई है, जिस वजह से इन्हें कुछ महीनों तक आराम ही करना होगा। यदि इसको आराम नहीं दिया गया तो शायद यह जीवन भर ना चल पाए। जी डॉक्टर साहब, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगी। राधा उसी दिन अपने पति हरि को लेकर घर आ जाती है। अब राधा पर बहुत सारा काम हो जाता है। अब तो उसे घर का काम और अपने पति हरि का ध्यान रखना और पैसा कमाने के लिए भी सोचना था। हरि को घर लाने के एक महीने बाद राधा ने जितना भी पैसा पहले जमा करके रखा था वो सब खत्म हो गया था। यहाँ तक कि अब तो घर में राशन के लिए भी पैसे नहीं थे और राधा को यहाँ बहुत टेंशन हो रही थी कि घर का राशन कैसे आएगा। घर का राशन नहीं आया तो वो अपने बीमार पति को क्या खिलाएगी और उनकी तबीयत में कैसे सुधार लाएगी। और इन्हीं सब के चलते राधा की सास भी राधा को खूब ताने मारती थी। अरे मनहूस, तूने तो अपने पति को भी अपाहिज बनाकर बिस्तर पर लेटा रखा है, अब इस बुढ़ापे में राशन का इंतजाम करने जाऊंगी क्या मैं? अरे तू तो जवान है, तू कुछ काम क्यों नहीं कर लेती? राधा अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर बहुत चिंतित हो जाती थी, क्योंकि वो ऐसा कोई भी काम नहीं जानती थी जिससे पैसा कमाया जाए। हे भगवान, ये कैसी मुश्किल घड़ी में मुझे डाल दिया है, अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं अपने घर को संभालूं या कमाने के लिए बाहर जाऊं? मैंने तो पहले भी कोई काम बाहर नहीं किया, भगवान आप मेरी मदद करो। राधा अपने स्वभाव की बहुत अच्छी थी, इसलिए उसके पड़ोसियों ने भी उसकी बहुत मदद की इस मुश्किल घड़ी में, जिससे कि उसका अब तक का गुजारा चल रहा था। पर अब वो राशन भी बस दो ही दिन का बचा था। राधा अपने परिवार और घर के लिए बहुत चिंतित हो रही थी। वो अपने घर की बाहर के मुंडेर पर बैठी बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी वहाँ से एक साधु बाबा गुजर रहे होते हैं और राधा से बोलते हैं, बेटी क्या इस भूखे साधु को कुछ खाने के लिए मिलेगा? राधा अपने मन में सोचती है, मेरे पास तो अपने ही खाने के लिए लाले पड़े हैं और ऐसे समय में मैं इन साधु बाबा को क्या खिलाऊं? परंतु राधा स्वभाव की बहुत अच्छी थी, जिस वजह से वो उन साधु को मना ना कर पाई। फिर उसने सोचा कि मेरे हिस्से का जो भी रूखा सूखा बचा है वही मैं साधु बाबा को लाकर दे देती हूँ। बाबा आप यहीं रुकिए, इस गरीब के घर में जो भी रूखा सूखा है वही ग्रहण करिए। ये कहते हुए राधा थाली में भोजन परोस कर ले आती है और लाकर साधु बाबा के सामने रख देती है। भोजन ग्रहण करने के बाद साधु बाबा राधा से बोलते हैं, बेटा मैं तुम्हारे चेहरे पर चिंता देख रहा हूँ, तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझे बता सकती हो कि तुम क्यों इतनी चिंतित हो? नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है। परंतु बाबा के बार बार पूछने पर राधा अपनी सारी परेशानी बता देती है। बेटी मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशानी में हो, तुम्हारे घर के हालत भी मैं जानता हूँ, पर फिर भी तुमने मुझे भोजन कराया। बेटी तुम एक बहुत ही नेक औरत हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। पर आप मेरी भला क्या मदद करेंगे और कैसे मदद करेंगे? राधा के इतना बोलते ही साधु बाबा अपनी शक्तियों से एक कपड़े सिलने वाली मशीन प्रकट कर राधा को देते हुए बोलते हैं,
देखो बेटी, इस मशीन में जादू है जो तुम्हारी मदद करेगी। इस मशीन को तुम अपने पास ही रखना। तुम्हें जो भी सिलना आता है इस मशीन से तुम वही सिलना शुरू करो। बाबा, पर मुझे सिर्फ बच्चों के कपड़े सिलने ही आते हैं, परंतु मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे मेरे पति का भी ध्यान रखना होता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ बेटी, तभी मैंने तुम्हें यह जादुई मशीन दी है। इस मशीन से तुम्हारा कोई भी कपड़ा खराब या गलत नहीं सिलेगा। मशीन पर कपड़ा लगाते ही तुम्हारा कपड़ा तैयार हो जाएगा जो कि तुम्हारी हर मुश्किल को दूर कर देगी। तुम घर पर ही बैठकर बच्चों के कपड़े सिलना, देखना तुम्हें इस काम में खूब सफलता और पैसा मिलेगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तुम्हारी सास भी तुम पर नहीं चिल्लाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु बाबा, आपने तो मेरी सारी परेशानियां ही दूर कर दी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना जल्दी ही काम शुरू कर देना। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और राधा वो मशीन ले जाकर अपने कमरे में रख देती है। अगले ही दिन से राधा बच्चों के कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है। अपने आस पड़ोस में कुछ जनों के वो कपड़े सिलती है जो लोगों को बहुत पसंद आती है। तभी एक औरत राधा के पास आकर उससे बोलती है, अरे बहन राधा, तुमने जो मेरी बेटी की फ्रॉक बनाई थी वो मेरी सारी सहेलियों को बहुत पसंद आई। वो सब भी तुमसे कपड़े सिलवाना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम उन्हें मेरे घर ले आना। इस तरीके से राधा का काम सभी को बहुत पसंद आता है और उसके पास कपड़े सिलवाने वालों की लाइन बढ़ती चली जाती है। बाबा के आशीर्वाद से राधा का काम खूब बढ़िया चलने लगता है। अब घर पर रहकर ही अपने पति का ध्यान भी रखती और कपड़े सिलने का काम भी करती। इस तरह से अच्छा काम चलने के बाद राधा के घर में खूब पैसे आने लगते हैं। अब राधा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती। वो अपने पति और सास के लिए खाने पीने की खूब सारी चीजें लेकर आती। अब तो उसकी सास भी उसे किसी भी प्रकार का कोई ताना नहीं देती थी। सही समय पर दवाइयाँ और खाना खाने के बाद अच्छी देखभाल के साथ साथ अब तो हरी की तबीयत भी दिन पर दिन अच्छी होती जा रही थी। और वो एक दिन राधा से कहता है, राधा, अब तो मेरी तबीयत भी काफी अच्छी हो गई है। मैं भी तुम्हारे कामों में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुमने मेरी कितनी सेवा की है, मेरी माँ का भी कितना ध्यान रखा है। इन सब के साथ साथ तुमने यह काम भी अच्छा चला लिया। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सब बातें सुनकर राधा की सास भी शर्मिंदा हो जाती है और उसे कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी काबिलियत पर हमेशा शक किया और मैंने तुम्हें हर एक काम सही करने के बाद भी तुम्हें ताना मारा, परंतु आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा भी ठीक हो गया और अब तो हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रही। अरे माँ जी, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं? ये मेरा भी तो घर है और ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस घर का पूरा ध्यान रखूं। और मैंने पूरी कोशिश भी करी, बस अब आप दोनों का आशीर्वाद यूं ही बना रहे। राधा की ये सफलता देखकर उसके पड़ोसन उससे बहुत जलने लगती है। राधा से बातों बातों में वो पूछ लेती है, आखिर उसकी ये सारी परेशानियां खत्म होने का क्या राज है। उस पड़ोसन को बातों बातों में राधा के मुँह से जैसे ही उस मशीन के बारे में पता चलता है, वो ये सुनकर जलन के मारे पागल हो जाती है और वो औरत तुरंत ही मशीन को चुराने का प्लान बना लेती है। वो औरत उसी रात राधा के घर से वो जादुई मशीन चुराकर अपने घर ले आती है। वो जैसे ही उस जादुई मशीन को चलाती है, उसके दोनों हाथों में आग लग जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। तभी वहाँ पर उसके पड़ोसन राधा भी आ ही जाती है। तभी राधा जल्दी से जाकर उसके हाथों से आग बुझाती है और उसके हाथों पर मलम पट्टी लगा देती है। ये सब देखकर उनकी पड़ोसन उससे माफ़ी मांगती है और फिर राधा अपनी मशीन उठाकर अपने घर ले आती है। अब राधा के परिवार में खुशियां ही खुशियां होती है। मुंबई शहर के छोटे से नगर में विजय अपने परिवार के साथ रहता था। विजय की पत्नी का नाम सुमन था और वह नवविवाहित जोड़ा था।
क्योंकि विजय की शादी अभी अभी हुई थी तो वो अपनी शादी से बहुत ज्यादा खुश था। वो अपनी पत्नी सुमन को अक्सर घुमाने ले जाया करता था और उसके साथ समय बिताया करता था। विजय और सुमन एक साथ रहकर बहुत खुश थे। एक समय आता है जब सुमन गर्भवती हो जाती है, परंतु सुमन अपना ठीक तरह से ध्यान नहीं रख पाती थी, जिस वजह से उसे काफी परेशानियां होती थी। वो अक्सर बीमार रहती थी। विजय अपने काम पर चला जाता था। विजय के बाद सुमन को देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए विजय अपनी माँ को गांव से अपने घर ले आता है। अब विजय की माँ सुमन का ध्यान रखती है। घर में खुशियों का माहौल था, सभी लोग बहुत खुश थे। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है और अब एक दिन सुमन को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तभी उसकी सास उसे अस्पताल में भर्ती कर देती है। उसके बाद विजय को फोन कर देती है। विजय भी अपने काम से छुट्टी लेकर अस्पताल पहुंच जाता है और दोनों ओपीडी के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी डॉक्टर आती है और कहती है, बधाई हो विजय, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी, तुम अंदर जाकर अपनी बेटी से मिल सकते हो, परंतु मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सकी। उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। क्या कहा डॉक्टर आपने? अगर सुमन ही नहीं बची तो इसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा? ये बिना माँ की बच्ची अब कैसे पलेगी? हमने बहुत कोशिश की, परंतु हम सुमन को नहीं बचा सके। अब आपको ही इसकी परवरिश करनी होगी। आप दोनों इसको घर ले जा सकते हैं। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चली जाती है। विजय ओपीडी के अंदर जाता है और अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है। अपनी पत्नी के शव को देखकर विजय बहुत ज्यादा रोता है। सुमन, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई हो? अब मैं इस अकेली बच्ची का ध्यान कैसे रख पाऊंगा? तुमने मुझे ये किस दुविधा में डाल दिया है? इतना कहकर विजय बहुत जोर जोर से रोने लगता है। विजय की माँ ओपीडी के अंदर जाती है और विजय को संभालती है। विजय की माँ जब विजय की लड़की को देखती है तो वो देखकर उसे हैरान हो जाती है। उसकी सूरत तो बहुत ज्यादा काली थी और नैन नक्श बहुत ज्यादा खराब थे। हे भगवान, ये कैसी संतान को जन्म दिया है तेरी पत्नी ने। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आज अमावस का दिन हो। मुझे तो लगता है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मनहूस होगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आखिर है तो ये मेरी संतान ही ना। तुम भी कहीं भी कुछ भी बोलने लग जाती हो, कुछ सोच समझ लिया करो। इसके बाद विजय अपनी पत्नी के शव को लेकर और अपनी बेटी को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। विजय अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है और घर पर उदास बैठा होता है। अरे बेटा, इतना उदास क्यों बैठा है? कब तक अपनी बीवी के जाने का गम मनाता रहेगा? विजय अपनी माँ को जवाब नहीं देता है और अपनी बेटी को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। विजय की बेटी बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसे भूख लग रही थी। विजय अपनी बेटी को एक हाथ में लेकर किचन में जाता है और उसके लिए दूध गर्म करता है और उसे पिलाता है। उसके बाद वो सो जाती है। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी बेटी की परवरिश करे या अपना काम करे, क्योंकि विजय की माँ तो उसकी बेटी को एक पल भी नहीं देखती थी। विजय एक दिन अपने घर पर हवन करवाता है और उस दिन अपनी बेटी का नामकरण करता है। वो अपनी बेटी का नाम परी रखता है और उसका ध्यान रखता है। परी एक साल की हो जाती है। विजय ने उसे बहुत मुश्किलों से संभाला था। माँ, आखिर कब तक तुम इस तरह व्यवहार करती रहोगी? अगर मैं काम पर नहीं जाऊँगा तो खाने के लिए घर में राशन कहाँ से आएगा? मैं कल से काम पर जाऊँगा और तुम्हें इस बच्ची की देखभाल करनी है। देख विजय, मेरी अब उम्र हो गई है, मैं इस बच्ची की परवरिश नहीं कर सकती हूँ। मेरी मान तो तू अब एक दूसरी शादी कर ले। अभी तेरी उम्र कुछ ज्यादा भी नहीं है, तुझे एक अच्छी लड़की मिल जाएगी जो तेरी लड़की की परवरिश भी कर देगी। वैसे भी मैं तो बस कुछ ही दिन की मेहमान हूँ, तेरे पास तो आगे की पूरी जिंदगी पड़ी है। तू अपनी बेटी की परवरिश अकेले नहीं कर सकता है, इसे एक माँ की जरूरत है।
मेरी बात मान ले, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा रिश्ता है। तू कहे तो मैं कल ही जाकर उनसे शादी की बात कर लेती हूँ। लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है। ठीक है माँ, अगर मेरी बेटी की परवरिश करने के लिए एक माँ की ज़रूरत है तो मैं दूसरी शादी करने को तैयार हूँ। परंतु मैं आपसे पहले ही कह देता हूँ कि मैं अब अपने और औलाद पैदा नहीं करूँगा। अगर वो लड़की इस बात से राजी हो जाए तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अरे वाह बेटा, तुमने शादी के लिए हाँ बोलकर तो मेरे कलेजे को ठंडक दे दी है। मैं तो कब से तेरे बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी। अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। मैं आज ही जाकर शादी की बात करती हूँ। परंतु तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। शादी से पहले तू उस लड़की को ये नहीं बताएगा कि तेरी पहले से ही एक लड़की है। तू जानता है ना कि एक कुंवारी लड़की कभी भी ऐसे आदमी से शादी नहीं करेगी जिसके पहले से कोई संतान हो। जब शादी हो जाएगी उसके बाद सब कुछ उसे पता चल जाएगा, परंतु जब तक तुम्हें चुप रहना होगा। लेकिन माँ, ये तो धोखेबाजी हुई ना। क्या पता वो यहाँ आकर उसकी परवरिश करने से इनकार कर दे, फिर हम क्या करेंगे? अरे बेटा, कुछ गलत बात नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इसके बाद विजय अपने काम पर जाने लगता है और विजय की माँ परी का ध्यान रखने लगती है। विजय की माँ विजय की दूसरी शादी करने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसे एक लड़की मिल जाती है। उसके बाद विजय की माँ उन दोनों की शादी कर देती है। विजय की दूसरी पत्नी का नाम राधा था। राधा दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और वो शहर की एक मॉडल लड़की थी। शादी के बाद राधा विजय के घर आ जाती है। विजय की माँ दोनों का स्वागत करती है। तभी राधा पूरे घर को देखने के लिए इधर उधर घूमने लगती है। तभी राधा परी के कमरे में जाती है और परी को देखकर हैरान हो जाती है। माँ, ये कौन है? अरे बेटी बेटी, ये एक लड़की है जो विजय को एक मंदिर के बाहर मिली थी। विजय बहुत दयालु किस्म का इंसान है, इसलिए उसे ये सब देखा नहीं गया और वो इस लड़की को उठाकर घर ले आया। ओ माय गॉड, माँ इसकी हालत तो देखो कितनी बुरी है, कितनी बदसूरत दिख रही है ये। मुझे तो लग रहा है विजय के व्यापार में नाकामयाबी के पीछे इसी का हाथ है। हमें इसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तभी माँ राधा के कान में कहती है, अरे बेटी, विजय इसे बहुत प्रेम करता है। हमें इसे घर से बाहर निकालने के लिए कुछ तरकीब निकालनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। अब दोनों सास बहू कानाफूसी करती हैं और राधा जाकर अपने कमरे में सो जाती है। अगले दिन विजय अपने काम पर चला जाता है और राधा माँ के बताए अनुसार परी को वापस मंदिर की ओर छोड़कर आ जाती है और उसके बाद घर पर आकर पार्टी करने लगती है। शाम को जब विजय अपने काम से वापस आता है तो वो परी को इधर उधर ढूंढने लगता है, परंतु उसे परी कहीं नजर नहीं आती है। विजय राधा को आवाज देता है, राधा राधा, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ विजय, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊ नहीं तो और क्या करूं? पूरे घर में ढूंढ लिया, मुझे परी कहीं नजर नहीं आ रही है। कहाँ है परी? मुझे नहीं पता परी कहाँ है। आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं यहाँ पर परी की परवरिश करने के लिए थोड़ी ना आई हूँ। माँ, माँ कहाँ है? माँ शायद पूजा करने के लिए मंदिर गई है, अभी आने ही वाली होगी। विजय सोचता है कि शायद माँ परी को अपने साथ मंदिर ले गई हो। विजय अपना हाथ मुंह धो लेता है और खाना खा लेता है। विजय की माँ जब मंदिर से वापस आती है तो उनको खाली हाथ देखकर विजय उनसे प्रश्न करता है, माँ माँ परी कहाँ है? मैं जब से कामपर से वापस आया हूँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। राधा से भी मैंने पूछा, वो कह रही है कि तुम्हारे साथ है, पर आप तो मंदिर से खाली हाथ वापस आ रही हो। बेटा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझाऊं। मैं परी को लेकर मंदिर गई थी। मैं पूजा करते समय परी को थोड़ी देर के लिए मंदिर के फर्श पर बैठा दिया था, पर वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, तभी मुझे मंदिर से आने में इतनी देर हो गई। माँ, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे जब तक मेरी बेटी वापस नहीं मिल जाएगी मैं घर वापस नहीं आऊँगा। इतना कहकर विजय अपने घर से चला जाता है और अपनी बेटी की तलाश करता है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर में एक छोटी सी लड़की को रोता हुआ देखकर आसमान में उड़ती हुई एक परी उसे अपनी गोद में उठा लेती है और उसे परीलोक ले जाती है।
परी बहुत ज्यादा रो रही होती है। तभी नीली परी उसे चुप कराती है। सभी परियां उस लड़की को देखकर हैरान हो जाती है। नीली परी, तुम्हें ये लड़की कहाँ मिली? ये तो बहुत ज्यादा रो रही है। क्या इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं? ये तो मुझे नहीं पता। मैं धरती पर सैर कर रही थी, तभी मुझे ये लड़की एक मंदिर के बाहर रोते हुए नजर आई और इसके आसपास कोई नहीं था, इसलिए मैं इसे यहाँ उठा कर ले आई हूँ। देखो ना, इस बच्ची को इतना बदसूरत होने की वजह से इसके माता पिता इसको मंदिर में छोड़कर चले गए हैं शायद। हाँ नीलपरी, आजकल लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं। वो खूबसूरती को ही सब कुछ समझते हैं। कोई बात नहीं, अब इस छोटी बच्ची का ध्यान हम रखेंगे। इसके बाद नील परी और नटखट परी मिलकर उस लड़की को रानी परी के पास लेकर जाते हैं और रानी परी को सारी कहानी बता देते हैं। रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से परी को बहुत खूबसूरत बना देती है और अब उसकी नीली आंखें, लंबे सुनहरे बाल और एक खूबसूरत सी ड्रेस में एकदम परी बन जाती है। रानी परी उसकी परवरिश करती है और धीरे धीरे कर वो 6 वर्ष की हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ विजय अपनी बेटी की तलाश करते हुए बहुत दूर दूर तक घूमता है और बहुत परेशान रहता है। काश मैं माँ के कहे अनुसार दूसरी शादी ना की होती तो शायद आज मेरी परी मेरे पास होती। सुमन, तुम कहाँ हो? देख रही हो ना, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई हो और परी भी मुझे छोड़कर चली गई है। अब मैं क्या करूँ? इस दुनिया में मुझे अब अकेला नहीं रहना है। मुझे भी अपने पास बुला लो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। विजय बहुत परेशान होता है और रोने लगता है। विजय को रोता हुआ देखकर उसकी मरी हुई पत्नी सुमन उसके सामने प्रकट होती है और उससे पूछती है, विजय तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारी परी बिल्कुल सुरक्षित है। तुम्हारी माँ और तुम्हारी पत्नी ने परी को मंदिर में छोड़ दिया था और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी नील परी उसे उठाकर परीलोक में ले गई और अब वही उसकी परवरिश कर रही है। हमारी बेटी एकदम सुरक्षित है और अब बहुत ज्यादा खूबसूरत भी हो गई है। मैं अपनी बेटी को एक बार देखना चाहता हूँ और उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरे होते हुए उसके साथ इतना कुछ हो गया। विजय हाथ जोड़कर अपनी पत्नी से विनती करता है कि वो अपनी परी से मिलना चाहता है। तभी विजय की वो तमन्ना को देखकर नील परी परीलोक से परी को लेकर विजय के पास आती है और उसे बताती है कि यही परी है। विजय अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं तुम्हारी परवरिश बिल्कुल भी नहीं कर पाया हूँ, परंतु मैं वापस अपनी माँ और अपनी पत्नी के पास कभी नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अपनी बेटी के प्रति विजय का इतना प्रेम देखकर नील परी परी को विजय को सौंप देती है और अब विजय अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहने लगता है। विजय अपनी बेटी का एडमिशन एक स्कूल में कर देता है और वो उसके लिए सुबह उठकर नाश्ता बनाता है और उसे स्कूल छोड़कर आता है। उसके बाद अपने ऑफिस चला जाता है। इस तरह विजय अपनी बेटी का अब बहुत अच्छे से ध्यान रखता है और विजय की बेटी बहुत बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद परी अपने पापा का बहुत ध्यान रखती है, उन्हें समय पर दवाई देती है और दोनों एक साथ खुशी खुशी रहती हैं। जादुई अखबार की फ्रॉक। एक समय की बात है, चांदनी चौक शहर में संध्या नाम की एक लड़की अपनी माँ बसंती और पिता सुनील के साथ रहती थी। संध्या के माता पिता बहुत गरीब थे। संध्या के पिता गांव में चप्पल बनाने और चप्पल ठीक करने का काम किया करते थे। संध्या की माँ अपनी दहेज में लाई हुई सिलाई मशीन से गांव के लोगों के कपड़े सिला करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे और वह उन पैसों से घर का गुजारा करती थी। सुनील अपने काम से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। गाँव में सभी लोग गरीब थे, इसलिए वो बहुत कम चप्पल खरीदते थे। एक बार चप्पल लेने के बाद उसे सुनील से ठीक करवा लिया करते थे। सुनील अपने घर के बाहर एक छोटी सी जगह पर बैठा करता था। वहीं पर ग्राहक आते थे और सुनील से अपनी चप्पल ठीक करवाते थे। अरे भाई, जरा ये चप्पल तो सिल देना, मेरी बेटी ने कूद कूद कर इसे तोड़ दिया है। हाँ हाँ लाओ बहन, अभी ठीक कर देता हूँ।
सुनील चप्पल सिलने का सामान बाहर निकाल लेता है और चप्पल सिलकर उसे दे देता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम इस गांव में चप्पल ठीक नहीं करते तो आज हमें शहर जाकर नई चप्पल लेकर आनी पड़ती। शहर में चप्पल के दाम कितने ज्यादा है? अच्छा ये बताओ, चप्पल सिलने के कितने रुपए दे दूं? 5 रुपए हो गए हैं। वो औरत सुनील को रुपए देकर घर वापस चली जाती है। सुनील पूरे दिन भर में 2 या 3 चप्पल ही ठीक किया करता था और उसकी हफ्ते में 1-2 नई जोड़ी चप्पल भी बिक जाया करती थी, परंतु इन पैसों से उसका गुजारा कहाँ हो पाता था। अपने पति को सहारा देने के लिए और घर का खर्च चलाने के लिए संध्या की माँ भी गांव में लोगों के छोटे मोटे कपड़े सिल देती थी और उनसे पैसे ले लेती थी। सुनील अपनी बेटी को गांव की सरकारी स्कूल में पढ़ा रहा था और उसकी पढ़ाई का खर्चा उठा रहा था। इसी तरह समय बीत रहा था और संध्या ने अपनी 12वीं कक्षा गांव के सरकारी स्कूल से पास कर ली। इसके बाद संध्या एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स पता करने के लिए संध्या शहर जाती है। तब वहां जाकर उसे पता चलता है कि कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसे 2 लाख रुपए देने होंगे, तब उसका एडमिशन शहर के फैशन डिजाइनिंग वाले कॉलेज में हो पाएगा। संध्या जानती थी कि उसके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, फिर भी वो कैसे ना कैसे करके अपनी माँ से बात करती है। माँ आपको पता है ना, मैंने 12वीं कक्षा कितने अच्छे अंकों से पास करी है। माँ अब मैं चाहती हूँ कि मैं फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूँ। मैं एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ। लेकिन संध्या बेटी, तुम जानती हो ना हमारे घर की आर्थिक स्थिति कितनी खराब है, और तुम्हारी फैशन डिजाइनिंग के कोर्स में तो बहुत पैसा लग जाएगा। माँ प्लीज, मैंने बचपन से लेकर आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा है। प्लीज मुझे इस बार शहर के फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए। ठीक है, मैं आज रात को तुम्हारे पिताजी से बात करके बताती हूँ। तुम्हारे कॉलेज की फीस कितनी लगेगी मुझे बता दो। माँ फैशन डिजाइनिंग की कॉलेज की फीस तो बहुत ज्यादा है, पर मैंने 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे जिस वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिली है। स्कॉलरशिप लगाने के बाद मुझे 2 लाख रुपए और भरने होंगे, तब मुझे एडमिशन मिलेगा। क्या कहा, 2 लाख रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। इतने पैसे तो हमारे पास है भी नहीं, और तुम्हारी शादी भी तो करनी है। माँ प्लीज, कुछ भी करके आप बस मेरे कॉलेज की फीस भर दीजिए। उसके बाद मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर बनूंगी और थोड़े ही समय में मैं इतना पैसा फिर से कमा लूंगी। संध्या अपनी माँ को अपनी सारी बातें समझाती है। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। संध्या की माँ संध्या के पिताजी के आने का इंतजार कर रही थी। शाम को जब सुनील घर वापस आता है तो सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद संध्या की माँ सुनील से कहती है, सुनो जी, हमारी बिटिया संध्या फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती है। हमारे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या संध्या का फैशन डिजाइनिंग के कॉलेज में एडमिशन करा दूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारी बिटिया बहुत समझदार है, पढ़ने लिखने में सबसे आगे है, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। पर वो दरअसल बात ये है कि घर में तो केवल कुछ ही रुपए रखे हुए हैं, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मेरे रखे हुए गहने को मैं गिरवी रखवा दूं, समय आने पर पैसे देकर वापस ले लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर हमारी एक ही तो बेटी है, हमें भी तो उसके सपने पूरे करने हैं। वैसे भी हमने उसकी आज तक कौन सी ख्वाहिश पूरी कर पाई है? अगर वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है तो कोई बात नहीं, तुम अपने गहने गिरवी रख दो। अपने माता पिता की ये बात संध्या सुन लेती है। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ आप कितनी अच्छी हैं। माँ मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं पूरे मन लगाकर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करूँगी और आपके गिरवी रखे हुए गहनों को मैं वापस लेकर आऊँगी। अगले ही दिन संध्या की माँ अपने गहने को सुंदर के पास गिरवी रख देती है और बदले में पैसे ले आती है। संध्या उन पैसों से अपना एडमिशन फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में कर लेती है। शहर का कॉलेज बहुत बड़ा कॉलेज था, जहां पर सभी बच्चे नए नए डिजाइन के कपड़े पहनकर कॉलेज पढ़ने आते थे। संध्या जब पहले दिन अपने कॉलेज जाती है तो वो देखती है कि कॉलेज कितना बड़ा है, चारों तरफ सभी लोग घूम रहे हैं। अरे वाह, ये कॉलेज तो बहुत अच्छा है, और यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने आए हैं। संध्या ने इससे पहले कॉलेज नहीं देखा था। संध्या जब अपनी कक्षा में जा रही होती है
तभी कुछ लोग आकर संध्या की रैगिंग करने लगते हैं। अरे ओ मैडम, कहाँ जा रही हो, इधर आओ जरा। क्या क्या आप मुझे बुला रहे हैं? हाँ हाँ, तुम्हें ही बुला रहे हैं बहन जी, इधर तो आओ। बहन जी आ गई है, जरा इसके कपड़े तो देखो, कितने अजीब लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है गांव से आई है। एक बात बताओ, तुम ये इतना गंदा सा सूट किससे सिलवा कर आई हो? नहीं नहीं, ये सूट गंदा नहीं है, इसे मेरी माँ ने खुद सिला है। अच्छा, तो तुम्हारी माँ इतने गंदे कपड़े सिलती है क्या? हाँ हाँ, तभी तो अपनी बेटी को इस कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा है, ताकि वो फैशन डिजाइनिंग सीख ले और उसकी तरह गांव में कपड़े सिलने लग जाए। कॉलेज के सभी सीनियर संध्या का मजाक बना रहे थे कि तभी वहाँ पर एक प्रोफेसर आ जाता है। प्रोफेसर को देखकर सीनियर वहाँ से भाग जाते हैं। संध्या बहुत ज्यादा डरी हुई थी, वो चुपचाप धीरे धीरे अपनी कक्षा में चली जाती है। कक्षा में सभी विद्यार्थी बैठे हुए थे, परंतु कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा था। कुछ लोग फोन चला रहे थे और कुछ लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। पर संध्या ने तो मन में ठान लिया था कि वो एक बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर बनेगी। संध्या अपने कॉलेज में लगातार पढ़ाई करती थी और घर पर जाकर उसके प्रैक्टिस भी करती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन संध्या के कॉलेज में एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा था, जिसमें सभी को फैशन डिजाइनर का हुनर दिखाना था। संध्या भी उस कंपटीशन में अपना नाम लिखवा लेती है। घर पर आकर संध्या अपनी माँ को सब कुछ बताती है। माँ, आपको पता है हमारे कॉलेज में फैशन डिजाइनर कंपटीशन है, जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे पूरे 2 लाख रुपए जीतने का मौका मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या तुमने सोचा है कि तुम फैशन डिजाइनिंग में क्या बनाओगी? हाँ माँ, मैंने सोचा है, मैंने जो भी आज तक कॉलेज में सीखा है, मैं वो सब मिला जुला कर एक बहुत अच्छा ड्रेस बनाऊंगी। लेकिन बेटी, ड्रेस बनाने के लिए तो हमें बहुत ही सुंदर कपड़ा लेकर आना होगा, और उस ड्रेस को सजाने के लिए सुंदर और महंगा मटेरियल भी लाना होगा, और इन सब के लिए तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। हाँ माँ, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं, पर अब चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ जरूर सोच लूंगी। फैशन डिजाइनिंग का कॉम्पिटिशन आने वाले 2 दिन में ही था। उन 2 दिनों में संध्या को एक खूबसूरत ड्रेस बनाकर तैयार करना था, परंतु पैसे ना होने की वजह से संध्या कपड़ा नहीं खरीद पाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता है। तभी संध्या को अपने घर में टेबल पर रखे हुए कुछ अखबार नजर आते हैं। उन अखबार को देखकर संध्या के दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आता है। संध्या रात भर बैठकर उस अखबार को काट काट कर कुछ नया सिलकर तैयार कर देती है। संध्या ने पूरी रात बैठकर बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक बनाई थी, पर वो फ्रॉक अखबार की बनी हुई थी, जिसे पहनना बहुत मुश्किल था। अगर वो जरा सी भी फट जाती है तो पूरी फ्रॉक खराब हो जाएगी। संध्या ये सोच सोच कर बहुत परेशान हो रही थी। ये फ्रॉक तो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आखिर मैं इसे किस तरह पहनूंगी? अगर ये फट गई तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। मुझे किसी भी हाल में ये कॉम्पिटिशन जीतना है और अपनी माँ के गिरवी रखे हुए गहने को लेकर आना है, पर ये सब कैसे होगा? हे भगवान जी, आप मेरी मदद करो, कोई तो चमत्कार दिखा दो। संध्या ये सब कहते कहते अपने कमरे में सो जाती है। संध्या बहुत ज्यादा थकी हुई थी, जिस वजह से वो बहुत जल्दी सो जाती है। संध्या की परेशानी को आसमान से एक परी देखती है। तभी वो संध्या की मदद करने के लिए संध्या के कमरे में आती है और उसके द्वारा बनाई हुई फ्रॉक में अपनी जादुई शक्तियों से उसे मजबूत और भी सुंदर और आकर्षित बना देती है। सुबह जब संध्या की माँ सोकर उठती है तो वो संध्या के कमरे में आती है और संध्या की बनाई हुई ड्रेस को देखकर वो हैरान हो जाती है। संध्या की माँ संध्या को उठाते हुए कहती है, अरे वाह बेटी, तूने तो कमाल ही कर दिया, इतनी सुंदर फ्रॉक तुमने कैसे बना ली? ये फ्रॉक तो बहुत सुंदर लग रही है। संध्या जब अपनी फ्रॉक को देखती है तो वो भी हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता है कि वो फ्रॉक उसने खुद बनाई है। संध्या का कॉम्पिटिशन का दिन आ जाता है और संध्या अपने बनाए हुए फ्रॉक पहनकर तैयार हो जाती है। संध्या उस फ्रॉक को पहनकर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। संध्या उस फ्रॉक को पहनकर अपने कॉलेज में जाती है। तब वो देखती है कि कॉलेज की सभी लड़कियां लड़के अलग अलग तरह की पोशाक पहनकर आए हैं। संध्या की अखबार की ड्रेस देखकर सभी लोग उससे पूछने लगते हैं,
अरे वाह, जरा देखो तो, ये संध्या ने क्या बनाया है। मुझे तो लग रहा है चारों तरफ अखबार लपेट कर आ गई है। कहीं ऐसा ना हो जरा सी भी हवा आए और इसका सारा अखबार उड़ जाए। अरे इस गरीब के घर में कुछ मिला ही नहीं होगा इसे, तभी तो अखबार की बनी हुई ड्रेस पहन कर आ गई है। अगर इसके बस की नहीं थी फैशन डिजाइनिंग करनी, तो फिर फालतू में क्यों एडमिशन करा लिया। संध्या सबकी बातों को अनसुना कर देती है और उसके बाद कॉलेज में स्टेज पर परफॉर्मेंस होने लगती है। एक एक करके सभी अपना ड्रेस दिखाने लगते हैं। उसके बाद संध्या की बारी आती है। संध्या भी अपनी अखबार की बनी हुई ड्रेस पहनकर स्टेज पर जाती है। वो ड्रेस देखकर जजेस को बहुत अच्छा लगता है, कुछ ऐसा जजेस ने पहले कभी नहीं देखा था। संध्या की इस कलाकारी को देखते हुए संध्या को विजेता घोषित कर दिया जाता है और संध्या को इनाम दिया जाता है। संध्या वो इनाम लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है। इनाम लेने के बाद संध्या सीधे सुंदर के पास जाती है और अपनी माँ के गिरवी रखे हुए गहने को ले आती है। घर जाकर संध्या अपनी माँ को सारी कहानी बताती है। बेटा, मुझे तो तुझ पर पूरा भरोसा था कि तू ही ये कॉम्पिटिशन जीतेगी, और देख तेरे घर से जाने के बाद क्या हुआ, हमारे घर के हालात खुद ब खुद इतना बदल गया है। संध्या अपने चारों तरफ घर के हालात देखती है तो वो देखती है कि अब वो उसकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर से घर में बदल गई है। संध्या को ये सब देखकर हैरानी होती है। तभी उसकी अखबार की फ्रॉक से आवाज आती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैंने किया है। संध्या, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं, इसलिए आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, और तुम्हें जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो तुम उसे मांग सकती हो। मैं एक जादुई अखबार की फ्रॉक हूँ। क्या कहा, जादुई अखबार की फ्रॉक? संध्या को अपने घर की स्थिति देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो इनाम के पैसे भी जीत जाती है। इनाम के पैसों से वो अपनी माँ के गहने भी वापस अपनी माँ को लौटा देती है। और उसके बाद संध्या की अखबार की ड्रेस की खबर सारे अखबारों में छप जाती है और अब सभी लोग संध्या के घर इंटरव्यू लेने आते हैं और संध्या बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। संध्या के घर पर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आते हैं और धीरे धीरे करके संध्या बहुत पैसे कमा लेती है।